ई लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी के हर ताजा और नया जानकारी पावत रही बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन के दबावल ना भूलम। जय भोजपुरी। पवन सिंह के नाम एगो गजब के रिकॉर्ड हो गिल बा। जी हाँ भैया, गजब के रिकॉर्ड, जॉन के रिकॉर्ड अब तक भोजपुरी में ना भई रहे। इनकर गाना राते दिया बुता के पिया मात्र 5 महीना में 7 करोड़ व्यू क्रॉस कर गिल बा यूट्यूब पे। जॉन के छलका था जॉनिया 1.5 साल के बाद, यानी अब 7 करोड़ पार कैला सा। लेकिन राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया मात्र 5 महीना में। जी हाँ भैया, मार्च 27 के डालल गई रहे 2017 में, मार्च में 27 तारीख के डाला रहे, और ये आज अगस्त में 5 महीना के अंतराल में 7 करोड़ व्यू क्रॉस कर गई बा यूट्यूब पे। एगो गजब के रिकॉर्ड बा। कितने हिंदी गाना भी ये रिकॉर्ड ना क्रॉस कर पावेले, कितने हिंदी गाना के भी पीछे छोड़ दिले बा। ऐसा करनामा बॉलीवुड के गाना भी ना कर पावेले, लेकिन भोजपुरी के नंबर गाना बने के राह पे चल दिला बा। कुछ ही दिन के बाद इस छलका था जवानिया के भी पछाड़ दी, कहे के छलका था जवानिया अब 7 करोड़ व्यू क्रॉस कैले है। आई 7 करोड़ व्यू इतना जल्दी लोग एकरा के देख रहल बा। ये गाना के खासियत आपके बतावल चाहते हैं कि काहे लोग एकरा के ज्यादा पसंद कर रहा बा। दो चीज बाटे, एक तो भोजपुरी के दर्शक अमरपाली और पवन सिंह के एक साथ देख के इंजॉय कर रहा बड़े, और दूसरा चीज के गाना के लिरिक्स जौन बा हिंदी में बाटे, तो हिंदी से यानी भोजपुरी के बाहर के लोग भी ये गाना के सुन रहा बा, पसंद कर रहा बा। यदि गाना के बारे में भैया बात कर लिए जाओ तो गाना के लिखले के बा सुमित सिंह चंद्रवंशी, ये गाना के लिखले बाड़े। और पवन सिंह के तो हर गाना ही सुपर डुपर हिट होला, पवन सिंह के मुखारबिन से गाना गावल गिल बा। अमरपाली दुबे और पवन सिंह के बीच में फरमावल गिलवा सत्या फिल्म के ही गाना हटे। तो आप लोग हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो को लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। चाहे भोजपुरी मिला तो नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।